સમાચારોમાં આગળ વધીએ. અગત્યના સમાચાર મળી રહ્યા છે. મહાવીર જયંતિના દિવસે નમ્રમુનિ સ્વામીએ સંદેશ આપ્યો છે. મહાવીર જયંતિના પર્વ નિમિત્તે નમ્રમુનિ સાહેબનું સંદેશ, જૈન સમાજના અગ્રણી સંતનો સંદેશ. તો મહત્વના સમાચાર, મહાવીર જયંતિ નિમિત્તે નમ્રમુનિ સ્વામીએ સંદેશ આપ્યો છે. પ્રભુ મહાવીર જન્મ કલ્યાણ કા જબ અવસર હૈ તબ હમ પ્રભુ મહાવીર કી ઉસ વિશાલ દ્રષ્ટિ કો દેખતે હૈ. મહાવીર વો એસે સિદ્ધ પુરુષ થે, ઉનકી પ્રજ્ઞા ઇતની શ્રેષ્ઠ થી, લેકિન ઉનકે સાથ સાથ મેં વો વર્તમાન સ્થિતિઓ કો ભી બહોત અચ્છી તરહ સે દેખને વાલે થે. ઓર ઇસલિયે મહાવીર કે જો ભી ફોલોવર્સ થે ઉસમે કોઈ નાત જાત કા ભેદ નહીં થા, કોઈ ઊંચ નીચ જાતિ કા કોઈ ભેદ નહીં થા. મહાવીર કે ફોલોવર્સ, મહાવીર કે પ્રથમ શિષ્ય બ્રાહ્મણ ઇન્દ્રભૂતિ ગૌતમ થે. તો મહાવીર સ્વયં ક્ષત્રિય રાજકુમાર થે. મહાવીર કે જીવન કો દેખા જાય તો ઉનકે ફોલોવર્સ મે નંદ મણિકાર સુવર્ણકાર થે, મણિકાર થે, મણિયાર થે. મહાવીર કો દેખા જાય, મહાવીર કે જીવન ચરિત્ર કે બહોત સારે પન્નો કો જબ ખોલા જાય તબ દિખતા થા કે સકળાલ પુત્ર નામ કા એક કુંભકાર ભી ભગવાન મહાવીર કા અનન્ય શ્રાવક થા. ઓર મહાવીર કે ભક્ત હોતે હુએ ભી ઉનકી 500 કુંભાર શાલાએ ચલતી થી, ઓર રોજ કે હજારો 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 કલશ બનતે થે. મહાવીર કે ફોલોવર્સ મે હરિ કૃષ્ણ મુનિ કરકે એક ચંડાલ પુત્ર થે, જો સ્મશાન મે કામ કરને વાલે થે. उनका पुत्र भी भगवान महावीर की शरण में आया और भगवान महावीर के पास संयम जीवन का शिकार किया था. जो भगवान के साधु ब्राह्मण थे, जो भगवान के साधु क्षत्रिय थे, जो भगवान के साधु वणिक थे, उन्हीं के साथ में एक साथ में वो चंडाल पुत्र भी भोजन लेता था. क्योंकि महावीर ने कहा था, न जाई विशेष कोई आत्मा, कभी भी किसी जाति विशेष को कभी भी महत्व नहीं देता है. जन्म से जाति होती है, कर्म से ही श्रेष्ठता होती है. आपका जन्म चाहे किसी भी उच्च जाति में हो यदि, लेकिन कर्म आपके नीच जाति नीच प्रकार के हो तो उसका कोई महत्व नहीं है. इसीलिए महावीर के अनेक अनेक फॉलोवर्स में, अनेक अनेक भक्तों में कई प्रकार के लोग थे. एक बार एक बहुत बड़ा चोर आया भगवान के पास, जिसका नाम रोहिणी था. उसने कहा, भगवान आपकी वाणी के दो शब्द मैंने सुने थे, मेरा कल्याण हो गया, मैं आपकी शरण में रहकर जीवन यापन करना चाहता हूं, मैं अपनी आत्मशुद्धि करना चाहता हूं. वहां पर बैठे हुए लोग कहते, अरे भगवान ये तो बहुत बड़ा चोर है, भगवान इसको नहीं रखा जाए. तो भगवान ने कहा, यहां पर चोरी करके जो आता है ना, लेकिन सुधरने की जिसकी शुद्धि की इच्छा है ना, उसका भी शिकार है. क्योंकि ये शुद्धि का मार्ग, ये सिद्धि का मार्ग संसार से मुक्त होने का मार्ग है. इनमेव दिगंतम पावयनम सच्चम अनुत्तरम केवलियम न्यायम संशुद्धम सलगतम सिद्धिमगम उत्तमगम निजानमगम निर्वाणमगम. यह निर्वाण का मार्ग, यह सिद्धि का मार्ग, यहां पर चोर का भी शिकार है. महावीर के पास रोज के 7 जीवों के खून करने वाला अर्जुन नाम का हत्यारा 6 महीने तक रोज के 7 जीवों का खून करके आया था. लेकिन जब भगवान की शरण में आया, भगवान मेरा शिकार करो, लोग कहते थे, भगवान ये तो खूनी है. महावीर ने कहा, ये मेरे पहले मोक्ष में जाने वाला सिद्ध आत्मा है. और हुआ भी ऐसा कि भगवान ने उसको दीक्षा दी और 6 महीने में वो भगवान से पहले ही मोक्ष में चला गया. भगवान महावीर के इस विजन को देखा जाए तो महावीर कभी बाह्य पर्यायों को देखने वाले नहीं थे. महावीर तो आंतरिक आत्म गुणों की शुद्धि करने की दिशा में जो आगे बढ़ता है, उन सबको आकार देने वाले थे, उन सबका शिकार करने वाले थे, उन सबको शुद्धि की तक देने वाले थे. ऐसे महावीर के जन्मदिन पर आज हमारी अनंत अनंत भाव वंदना.